हाय गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ ऑर्चिड होटल में। सो यहाँ पे मैं नॉमिनेट किया गया हूँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए। पहली बात तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मुझे उसके लिए नॉमिनेशन कैसे मिला, बट या आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड दैट कि मुझे नॉमिनेट किया गया है यूथ एंटरप्रेन्योर के लिए इन रियल एस्टेट। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा हूँ कि जाऊँगा तो अवार्ड तो लेकर ही आऊँगा, क्योंकि वो अवार्ड अपने लिए ही बना है। सो गाइस, विश मी बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये अवार्ड मुझे ही मिले, क्योंकि मेहनत तो बहुत की है मैंने पिछले 8 सालों से। ना दिन देखा है, ना रात देखा है, ना सुबह ना शाम, कभी कभी भूखे पेट भी भागा दौड़ी की है, बस इसीलिए कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जाएगा। तो आज वो चीज़ हो रही है। ये कहावत है ना कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको जो चाहिए वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। तो ये एक वन ऑफ द चीज है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाऊंगा। सो या आई एम गोइंग, लेट्स विन इट एंड कम, सी यू। 3 hours later. Sagar ji and Yasmin ji close to stage presenting the prestigious solo photo chahiye Gaurang Nayak ji. Yes, I won it. I knew I would receive this. Oh, congratulations and celebration. Wow, sir, ek baar. Very nice, sir. कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग मोमेंट फॉर मी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर यूथ एंटरप्रेन्योर इन रियल एस्टेट आज मेरे पास है। मैंने बोला था ना, अगर मैं जा रहा हूँ तो ट्रॉफी लेकर ही आऊंगा। यस, दिस इज फाइनली माइन। गाइस, अगर आप मेहनत करो और अपने फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त करो तो कुछ भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। फिर चाहे वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो या पद्मश्री हो, आप सब अचीव कर सकते हो इफ यू हैव दैट विल पावर एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। और एक चीज कहना चाहूंगा जाते जाते, अभी तो कुछ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो कुछ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो भरी है कुछ परिंदों ने उड़ान, असली पास की उड़ाने की बाकी है। गाइज, वेट एंड वॉच, ये तो एक शुरुआत है। अभी तो ऐसे अवार्ड्स का काफिला लगने वाला है, बहुत से अवार्ड्स देखने मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच माय टीम फॉर योर सपोर्ट, आप लोग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो। थैंक यू।